छपरा में दीवार गिरने से अधेड़ की मौत। कपड़ा आयरन कर रहे शख्स पर गिरी दीवार, इलाज के लिए पटना रेफर, रास्ते में दम तोड़ा। यूक्रेन से पटना पहुंचे बिहार के 13 स्टूडेंट, बोले वहां के हालात भयवा, अपने साथियों के लिए जताई चिंता, सरकार को कहा शुक्रिया। दादा ने की 3 साल की मासूम की हत्या, बक्सर में रिश्ते में पोते को घुमाने के बहाने ले गया, नदी में फेंका और घर आ गया, गिरफ्तार। थानेदार पर ईओयू का शिकंजा, 3 जिलों में रेड, वैशाली में शराब माफियाओं की मदद का आरोप, पटना से लेकर औरंगाबाद तक चल रही छापेमारी। बगहा में टिकट के नाम पर वसूली करने वाला टिकट क्लर्क सस्पेंड, किराए से ज्यादा कीमत वसूल रहा था, यात्री ने वीडियो बनाया, शिकायत के बाद गिरी गाज। बिहार को मिला पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक, पटना में सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन, सरकारी रेट पर खून देकर बचाएगा लोगों की जिंदगी। मुजफ्फरपुर में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़, कारोबारी गोविंद रोलिया मर्डर केस के 3 आरोपी गिरफ्तार, एक पुलिस की गोली से घायल। महिला के शव को बोरी में डालकर तालाब में फेंका, भागलपुर में शव की हुई बरामदगी, हथियारों ने शव के कई टुकड़े किए। भोजपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में सड़क हादसे, रिटायर्ड आर्मी जवान पिता पुत्र समेत आधा दर्जन जख्मी, आरा सदर अस्पताल में कराया जा रहा इलाज। जमुई में चोर की जमकर पिटाई, लोगों ने बनाया वीडियो, एक साथ 2 रेलवे कर्मचारियों के घर चोरी, सामान ले जाते एक चोर को दबोचा। केले की खेती कर 10 लाख की सालाना कमाई, शहर से जॉब छोड़कर खेती करने गांव पहुंचे, पारंपरिक तरीके बदला, जैविक विधि को अपनाया। रंग बरस से नहीं हथौड़ों से चित्रकारी करता बिहार का शुभम, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मिली जगह, कार के शीशे पर उतारी भगवान गणेश की छवि। यूक्रेन में फंसे बिहारी छात्र ने तेज प्रताप से किया संपर्क, मेडिकल छात्र ने बताया यूक्रेन से बॉर्डर पार होने की नहीं मिल रही अनुमति। मुजफ्फरपुर में अवैध तरीके से चल रही थी फैक्ट्री, किराए के मकान पर लेकर चला रहा था फैक्ट्री, महिला बोली जमीन बेचकर बनाया था घर। सीतामढ़ी में डीएम आवास का घेराव, शिक्षक अभ्यर्थियों ने डीएम आवास के पास किया हंगामा, फिटनेस प्रमाण पत्र को लेकर बवाल,